Hello friends, my name is Anjali and I am the student of English Mania. Today we are going to conduct a couple discussion with Mr. Jain. My topic is that which is more important, hard work and luck. So Mr. Jain, can you give me answer? Sure. Your question is which is more important in life to succeed, right? Yes. Hard work or luck? Yes. Okay. Now here let me tell you that both are the complement to each other. Okay, your luck as well as hard work. Because let's say even if you are born lucky, but if you do not put efforts, if you don't go to do something, then again your luck would not actually be able to do anything. Yes. Fine, in this case, even if you are lucky, but you need to do, you need to put efforts. Yes. Okay, see what happens that let me tell you in Hindi, okay? So that my many of the viewers can understand. क्योंकि ये topic है ना, that's very sensitive. और ये बहुत लोगों को बहुत confused भी करता है. है ना, this topic confuses too many people. So let me tell you in Hindi or my viewers, देखो कि hard work और luck, कठिन परिश्रम और किस्मत, है ना? कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों के साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, मगर आपके साथ बुरा हो जाता है. आपका कुछ चला जाता है, आप कुछ खो देते हो, तो क्वेश्चन आता है, Why only me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है ना? Yes. ठीक है? और हम then what happens? We try to ask this question to God, है ना? कई बार you actually hate God, several times you get angry at God, don't you? Yes. Right? So this is the thing. ये होता है. But let me ask you one question. If you, let's say, believe in God, suppose, in that case, we consider our God as our father. Yes. Fine. Or producer like this. Okay. And in future, you are going to be a mother. Right. Yes. Then suppose that if you happen to write the destiny of your son or maybe daughter. Yes. अगर आप उसकी किस्मत लिखते हो, तो क्या आप उसकी किस्मत में कुछ भी गलत लिखोगे या नहीं? लिखोगी या नहीं? नो. कुछ भी, जैसे उसको बुखार आ जाए? नो सर. बिल्कुल नहीं. थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाए, सर्दी जुकाम भी तुम खुद लिखोगी कि उसे हो जाए? नो सर. है ना, तो कुछ भी गलत नहीं लिखोगे, राइट? सेम इज द केस विद गॉड. अगर गॉड ने हमारा भविष्य लिखा होता, तो वो बुरा क्यों लिखता? ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है. Yes. देखो, when you are born, there is a horoscope of yours. आपकी जन्म कुंडली होती है. Yes. You are born with your horoscope. जब आप पैदा हुए हो और आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो वो horoscope किस बेस पे बनी कि इसके साथ ये होगा और ऐसा 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 नहीं होगा? मतलब कुंडली में नहीं है और आप उसे पाने की कोशिश में करने में लगे हुए हो, है ना, और आपको वो चीज नहीं मिलती, पहले से ही डिसाइडेड है कि नहीं मिलेगी. Yes. तो ऐसा क्यों? और मिल भी सकती है, श्योर कुछ भी नहीं है, है ना? देयर इज नो श्योरिटी ऑफ एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन योर हॉरोस्कोप. तो वो हॉरोस्कोप का बेस क्या है? कुड यू टेल मी व्हाट इज द बेस ऑफ योर हॉरोस्कोप? जन्म कुंडली किस आधार में बनी फिर वो? Do you know? I don't know, sir. Past birth के आधार पे. Yeah. पिछले जन्म के आधार पे, उसके कर्मों के आधार पे आप एक जन्म कुंडली को लेकर के पैदा हुए हो. Yeah. ठीक है ना, क्योंकि पिछले जन्म में आपने जिस तरह के कर्म किए ना, उसके हिसाब से, यानी उसके हिसाब से, है ना, वो जन्म कुंडली बनी हुई है. ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये होगा ही होगा. यानी अगर आपने पहले ऐसा ऐसा किया और ऐसे ऐसा आप करते गए, तो ऐसे ऐसा ही होगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू द सेम, वो अपने आप को बदल नहीं पाते, वो वैसा ही करते चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अधर्म का काम, गलत काम. ठीक है, बट इफ यू चेंज योर सेल्फ, देन डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, राइट? और कई बार बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो. ओके. यस. फाइनली उसमें आपकी कुछ सफी लिखी हुई है ना, जिनसे आपको गुजरना है, जो आपको भोगनी ही पड़ेंगी. तो जब वो आप उनसे एक समय गुजर चुके होते हो ना, मान लीजिए किसी काम को पाने में आपने बहुत सारी सफरिंग्स का सामना किया,
तो उनकी एक लिमिट है, वो एक जगह पे आके खत्म होनी है ना। तो वो जैसे ही खत्म होंगी वो आपको जो आप चाह रहे हो मिल जाएगा। पर सपोज जब भी आपको वो मिलने वाला था आपने छोड़ दिया, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। फिर आप कहोगे बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन इन माई डेस्टिनी सो आई डिडंट गेट इट। सही भी है, नहीं भी है, ओके। बट विद मोर एफर्ट्स यू वुड हैव गॉट दैट, है ना। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए आप बहुत मीठा मीठा खाते हो, प्लस एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड बहुत खाते हो, है ना। आप ऐसे काम करते हो विच लीड्स टू यू नो वॉट डायबिटीज, है ना। तो आप डायबिटिक हो गए। अब डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट निकाली, अब क्या होता है, डॉक्टर ने बताया आपको कि अब आप ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 6 या 7 साल बाद मर जाओगे। इसका मतलब वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो भविष्यवाणी नहीं है, वो बताए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स ऑफ योर रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, ओके। कि जैसा जैसा आप करते आ रहे हो, अगर ऐसा करते चले गए तो 7 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, यू विल डाई, राइट। बट सपोज इफ यू कंट्रोल योर सेल्फ, इफ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ और इंगेज योर सेल्फ इन एक्सरसाइज, है ना, और खाने पीने में भी यू क्विट द जंक फूड, ठीक है, एंड यू टेक अ लॉट ऑफ वाटर, सम मेडिसिन ऑल्सो, एंड यू अब्सटेन फ्रॉम सो मैनी ब्लडी थिंग्स, ओके, विच इज फॉर योर स्टमक। तो क्या है, अब आप नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डाई, है ना। तो डॉक्टर ने जब ये कहा कि आप 7 साल बाद मर जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसने भविष्यवाणी की और आपकी कुंडली में लिख दिया वो, है ना। उसने स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे यह बात कही थी, ओके। ऐसे ही जो आपकी हॉरोस्कोप बनी है ना, वो आपके पिछले कर्मों के आधार पे बनी है। यानी आप फिर से ऐसा करते रहे और ऐसे ही चलता रहा तो आपके साथ ऐसे ऐसे होगा। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया अपने आप को, आप पावरफुल बन गए, स्ट्रांग बन गए, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई, है ना, तो देन यू आर एबल टू चेंज योर डेस्टिनी, फाइन। सो यस, लक इज प्रिवेलिंग, आई नो इट इज ऑलरेडी देयर, ओके, लक इज देयर प्रिवेलिंग और डोमिनेटिंग, बट योर हार्ड वर्क, टू मच ऑफ हार्ड वर्क, टू मच ऑफ एफर्ट्स, टू मच ऑफ यू नो दैट वी कैन से डेडिकेशन कैन चेंज इट, ऑल्दो इट विल बी वेरी हार्ड टू चेंज इट, है ना, बट यू कैन चेंज इट, बट द पॉसिबिलिटी इज वेरी रेयर और वीक, ओके, नॉट राइट, मुश्किल हो जाता है ये, ठीक है। तो आपके साथ आपका एक प्रारब्ध बन चुका है, तय हो चुका है, ओके। अब क्या होता है, आपका प्रारब्ध बन चुका है, इसे प्रारब्ध बोलते हैं हम एक शब्द में, है ना। तो अब क्या होगा, आपके लाइफ में जो चीजों का आप सामना करोगे ना, वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपके सामने आएंगी, ठीक है। मेरे में कुछ और आएंगी, आपके में कुछ और। जैसे मुझे डिफरेंट पेरेंट्स मिले, डिफरेंट जगह मिली, डिफरेंट सिटी मिली, है ना, डिफरेंट कंट्री मिली, है ना, आपको डिफरेंट एरिया मिला, डिफरेंट कंडीशंस सिचुएशंस, तो वो आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिली है, है ना। तो आपको उनको उनके हिसाब से सामना करना होगा उनका, ठीक है। लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम, ओके, मगर ये गेम, दिस गेम इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, ये गेम सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है। ये है आपका अलग है सॉफ्टवेयर, मेरा अलग है, मेरे में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जिनको मुझे क्रॉस करते हुए जाना है, वो फिक्स्ड है गेम में मेरे, उसके प्रारंभ के हिसाब से, तो मुझे उसी हिसाब से अपने गेम को खेलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो गेम बना तो क्रॉस होने के लिए ही है, बट प्रॉब्लम्स वुड बी देयर, एंड प्रॉब्लम्स आर देयर, सो एंजॉयमेंट इज देयर, इजंट इट। आप कोई ऐसा गेम खेलना चाहोगे जिसमें ऑब्स्टेकल्स ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कत ही ना आए, बस एक बटन दबाओ और वो पार होता चला जाए और आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वुड यू लव टू प्ले दिस गेम और नॉट? नो, बी ऑनेस्ट, नो नो नो। सेम इज द केस इन आवर डेस्टिनी, problems would, you know, you would come across the problems, है ना, and you have to cross them. तो आपका game है ना software, वो एक अलग design पहले ही हो चुका है, उसे आपको defeat करना है, उसे cross करना है, और that is very entertaining. जितना difficult उतना entertaining, जितना easy उतना
उतना monotonous, boring, right? Yes. So yes, luck is prevailing, है ना? But with hard work, dedication, learning, है ना? Sharpening yourself, then आप उसको change करके आगे cross कर सकते हो. हाँ, difficult भी हो सकता है. आप हार ही सकते हो. Either you can lose or you can win, है ना? Yes. But ये hard work की intensity पे depend करेगा. तो आप कुछ भी समझ सकते हो इसको. क्या पता आपका प्रारब्ध ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए और आप वीकर पड़ जाओ उसे हराने में, डिफीट करने में, है ना? तो आप इधर यू लूज. और आपका हार्डवर्क और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, यू कैन चेंज इट, है ना? गेम कठिन है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है ना, इम्पॉसिबल. वो गेम जो डिजाइन हुआ है वो क्रॉस करने के लिए ही हुआ है. अब डिपेंड्स, यू मस्ट हैव सीन एक गेम होता है दैट इज सेम फॉर एवरीबडी. वन पर्सन इज एबल टू क्रॉस और वन पर्सन इज एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, सेकंड इज नॉट. तो वो गेम खराब है या पर्सन? पर्सन में कमी है ना. सेम इज द केस हियर. आपका लाइफ है ना, हो सकता है वही कंडीशन और वही सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको मिले. यानी सेम पेरेंट्स, सेम एरिया, सब कुछ है ना, सब कुछ, सारी जो मुसीबतें हैं सब कुछ सेम आपके सामने भी आ रही हैं और मेरे सामने भी आ रही हैं, लेकिन मैं उनसे उबर के क्रॉस कर गया. आप नहीं कर पाए. Who is weaker? Problem is in you, right? है ना, ये है. हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप तो बहुत खिलाड़ी अच्छे हो पर जो गेम आपके लिए मैंने डिजाइन किया ना, या आपने खुद डिजाइन किया अपने पास्ट कर्मों के हिसाब से, वो इतना कठिन डिजाइन करके आ गए हो आप कि अब उसे क्रॉस कर पाना अब इस समय आपके मतलब ना नहीं हो सकता. तो हो सकता है दुखों में जिंदगी निकल जाए उस केस में. बट यू नीड टू प्ले दिस गेम, है ना? एंड प्ले enthusiastically with great dedication and great passion and with great positive attitude, है ना? वो चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? लेकिन वो नहीं होने का कारण भी आप होंगे, ठीक है? लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से चीजें सामने आ रही हैं. इस बात को अगर आप मान लेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे. फिर जब आप गेम खेलते हो और जब आप हारते हो, है ना, तो क्या होता है, एक दुख तो होता है पर उसका जब पता होता है कारण मैं ही हूं, है ना? Yes. मैं अच्छा नहीं खेला, तो आप अपने आप को कोसते नहीं हो, ठीक है ना? तो दिस इज द केस, वरना आप फिर गॉड को कोसोगे. Yes. जब आप गेम खेलते हो तो क्या गॉड को कोसते हो? आपने खराब खेला, आप हार गए. आपने खराब खेला और आप हार गए, फिर मैं कहूंगा गॉड यू एक्चुअली मेड डिफिकल्ट दिस इन दिस गेम और लाइक दिस? नहीं ना. No. सेम इज द केस इन लाइफ. बस ये है, पहले तो गेम ही आप डिजाइन करके लाए हो पास्ट करवा सकते, फिर ऊपर से अभी अच्छा नहीं खेल रहे, है ना? धीरा ले रहे हो उसको, लूज हो, आलसी हो, है ना? सिर्फ सोच रहे हो, फिर भगवान को कोस रहे हो. दिस इज द थिंग. ओके, तो बोथ आर फाइन बट दिस इज द केस. एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस? यस सर, बट सपोज ही इज अ बॉय, ही इज डूइंग हार्ड वर्क a lot. There is a boy who is doing hard work a lot. Okay. To join railway. But he does not select. He does not get selected in job. But after some time there is a boy who does not do hard work. Even a one nut also. But his luck is best because better. Because his father is in government job and he was a TC in railway station, and after some time he got job. So but I think luck is more important hard work, because sometimes I already said that. Yes, luck would be prevailing, right? But let's say he doesn't become an employee in railway, but by putting, you know, his more efforts in any other better or greater field, he can be better. Let's say he plays cricket, becomes Virat Kohli. Yes. So who is better, an employee in railway or Virat Kohli? Virat Kohli. That's what I'm saying. Okay. So according to the person's luck, he got the job. So many people I have seen getting the job, you know, after the death or demise. Yes. After the demise of their father, they get the job. Yes. So what can somebody do in this? Right? What can somebody do in this? Does it mean that the person would ask his father to die? No, sir, but without hard work, he got job. That's what I'm saying, yes. Yes. Let him get the job. So, still, इस केस में मैं ये कहूँगा, आपका सोच लिमिटेड क्यों है? आप उससे भी कुछ बेटर करो ना, ग्रेटर करो ना. That government job is not everything. यूँ तो एक बात होगा, एक बात बताओ,
उसको जॉब मिल रही हो। yes. जॉब छोड़ो, अभी मैं अंबानी के घर में पैदा हो गया होता फिर yeah. फिर कैसे आप, फिर क्या कहते हैं आप, नथिंग, बात खत्म, फिर तो मैं जॉब दे रहा होता लोगों को। गवर्नमेंट yes. जॉब तो वो करता वो लड़का no. तो उसका किस्मत अच्छी है खराब है? अच्छी है। अभी नहीं, अगर अंबानी के घर में पैदा होता तो गुड। मैं एक बात, अंबानी के घर में पैदा होता और रेलवे में जॉब, कौन सा अच्छा है? अंबानी के तो खराब है किस्मत, उसकी अच्छी है, गुड गुड है, मतलब रेलवे में जॉब लग गई। क्या बात कर रही हो, अरे ये बात, उसकी रेलवे में जॉब लग गई। yes. दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अंबानी के घर में पैदा होता। yes. तो अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ ना, रेलवे में जॉब तो किस्मत अच्छी है। फिर अब ये लोग कह रही है ना, कहां से कैसा, कैसे मान लिया आपने उसकी किस्मत अच्छी है? yes. वो तो आप अपने से तुलना कर रहे हो ना, एक की लगी एक की नहीं लगी, एक से तुलना क्यों कर रहे हो? हाँ yes. अरे किस्मत, ये सोचो ना, अंबानी के घर में पैदा होता किस्मत तो वही खराब हो गई। yes. अब तो किस्मत को धीमे धीमे संवारने की कोशिश कर रहे हैं बस ना। अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता था, खराब बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। yes. आपके साथ भी है, अच्छा बहुत कुछ, आप अंबानी के घर में पैदा हुए हो सकते थे और हो सकता है आप यहाँ ना होते और किसी और लोग जगह में रेलवे ट्रैक के पास में जो लेडीज बैठी रहती है ना। yes. वहां पे उनके भी सन या डॉटर हो सकते थे आप, और उन्होंने आपको भीख मांगने भेज दिया होता। yes. ये भी तो हो सकता था। yes. हाँ तो तुलना करो, तुलना करोगे तो हाँ अच्छा हो गया उसकी किस्मत। yes. मैंने कहा, मैंने जैसे अंबानी का एग्जांपल दिया तो उसकी किस्मत क्या हो गई? नहीं समझ में आ रही शायद बात आपके, आगे सर नहीं आई शायद। वो व्यक्ति रेलवे में जॉब मिल गई उसको। yes, I don't know why I'm not getting this. अरे अंबानी के घर में पैदा भी तो हो सकता था। yes, sir. तो कौन सा ज्यादा अच्छा था? रेलवे जॉब। अच्छा रेलवे जॉब इज बेटर। yes. अंबानी के घर में पैदा होना। बट ही डिड नॉट गिव बर्थ इन अंबानी हाउस। कोई तो मिला, अगर मिली होती तो। yes, fit, that is good. हाँ, समझ ही नहीं रही हो बात को, पता नहीं। अंबानी के घर में पैदा होता वो अच्छा होता या रेलवे में जॉब? अंबानी हाउस। हाँ तो उसकी किस्मत फिर अच्छी हुई क्या खराब? गुड। अंबानी हाउस पीपल हु गेव बर्थ इन अंबानी हाउस दिस पीपल लव इज वेरी गुड, बट हु वर्क इन रेलवे दिस पीपल कंडीशन इज बैड। इज बैड ना, इज बैड। तो फिर तुम तो कह रही थी उसकी किस्मत अच्छी है। बट ही डिड नॉट गिव बर्थ इन अंबानी हाउस, दैट्स व्हाई इट इज खराब है ना। यस बैड। तो फिर अच्छा कैसे बता रही हो उसको, क्या कहां से राइट? चलो समझ में आई बात। यस सर। हां तो तुम्हें लग रहा है अच्छी है नहीं ना। yes. फिर तुलना तुम नीचे वाले से कर रहे हो उसकी। yes. जिसको नहीं लगी, ठीक है ना। सो दैट इज द केस। yes. तो लग अच्छा भी है नहीं भी है। yes. दोनों बता, आपको लग रहा है अच्छा, हो सकता है नहीं है। और तुम्हें पता है अभी जॉब तो लग गई, आगे चल के उसके आगे क्या लिखा हुआ है? सपोज उसने किसी दिन ड्रिंक कर ली और वो पकड़ा गया, ही इज कॉट एंड गॉट टर्मिनेटेड। फिर आगे बताया तुमको व्हाट इज रिटन? नो है। और व्हाइल वर्किंग सपोज उसका हाई एंड या कुछ ऐसे हो गया, म्यूटिलेशन और एम्प्यूटेशन, और आपके साथ नहीं हुआ। yes. फिर अभी तो अच्छी लग रही है ना। yes. हाँ नाउ इट इज लुकिंग गुड बट इट मे नॉट बी क्लियर। हाँ एंड माइंड को होल्ड कर रखा करो, बात को समझो। yes. हाँ सो दिस हिज लक इज नॉट गुड, आपको लग रहा है नहीं। Clear? Yes. Chalo, let's take a break here and let me tell my viewers that we will keep coming like this and on YouTube you can subscribe to the channel. आप type कर सकते हैं Deepak Jain English Mania and मेरे videos वहाँ आ जाएंगे. If you subscribe to the channel, you will not be missing any video. Thank you very much.